तेलुगु फिल्म पुष्पा का दूसरा पार्ट जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगा। खबरों के मुताबिक इसे 15 अगस्त 2024 को थिएटर्स में लाने की प्लानिंग हो रही है। अभी इसकी शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में चल रही है। इससे जुड़ी आए दिन नई नई अपडेट आती रहती हैं। एक और नई अपडेट आई है। बताया जा रहा है कि ये अपडेट एक्टर की फीस से जुड़ी है। जी हाँ, अल्लू अर्जुन ने अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट फीस 17 गुना बढ़ा दी है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक पुष्पा द रूल में अल्लू अर्जुन जबरदस्त लुक में नजर आएंगे। वे इस मूवी के फर्स्ट पार्ट के पहले 35 करोड़ रुपए लेते थे, लेकिन अब विज्ञापन करने के लिए वह 6 करोड़ रुपए एक दिन का वसूल रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनके अलावा और भी कई साउथ एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी फीस में 8 गुना की बढ़ोतरी पिछले 2 साल में की है। देखा जाए तो पुष्पा द राइज की अपार सफलता के बाद अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। वह कई फेमस ब्रांड का फेस बन चुके हैं। इन्हें अपने अभिनय के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। हाल ही में उन्होंने 6 नए ब्रांड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इसमें कोका कोला, KFC, जोमैटो और रेड बस जैसे नामी कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि एक्टर ने पान मसाला का एड रिजेक्ट कर दिया था, जबकि उनको इसके लिए 10 करोड़ ऑफर हुए थे, लेकिन एक्टर ने करने से मना कर दिया था। ऐसा ही KGF फेम यश ने भी किया था। इन एक्टर्स का कहना है कि वो अपने दर्शकों को और फैंस को कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहते हैं। साथ ही वह जब इसका सेवन नहीं करते तो ऐड भी नहीं करेंगे। वहीं इसमें सई पल्लवी का नाम भी शामिल है, जिन्होंने फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन करने से साफ मना कर दिया था।